हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जालौर जिले के सांचौर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव की सड़क पर एक तेज रफ्तार बस ने बोलेरो को भिड़ंत कर दी थी। भिड़ंत के दौरान तीन चचेरे भाइयों की मौत का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है, जबकि एक युवती का इलाज जारी है। दरअसल जानकारी के अनुसार कोड गांव के एक परिवार के लोग दिवाली के त्यौहार पर अपने रिश्तेदारों से मिलने बड़सम गांव की तरफ जा रहे थे। वह सुबह करीब 7 बजे बोलेरो गाड़ी लेकर अपने घर के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 8 बजे उनकी गाड़ी प्रतापपुरा गांव के पास पहुंची थी, तभी मुंबई की तरफ से आ रही निजी बस ने बोलेरो को भिड़ंत कर दी थी। भिड़ंत के दौरान करीब 200 मीटर तक बोलेरो को अपने साथ बस ले गई। इस घटना के दौरान दो भाइयों को मौके पर मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि एक को इलाज के लिए ले जाते समय उसने भी दम तोड़ दिया था। इस घटना में लाखाराम पुत्र तेजाराम प्रजापत 65 वर्षीय, भगवाना राम पुत्र लुम्बाराम प्रजापत 50 वर्षीय और हाथी राम पुत्र जयराम प्रजापत 48 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं जबकि उनकी भाभी लक्ष्मी देवी पत्नी अजमल राम प्रजापत का इलाज जारी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।